पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इसके बारे में टुगेदर एक केस स्टडी है, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, व्यसन मुक्ति, सम्मोहन तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक औरत ने अपने पति को मेरे पास में लाया, काफ़ी जगह घूम फिर के आए और बोल रहे थे कि भाई इनको जो प्रॉब्लम है वो है कि इनको ऐसा लगता है और उनका विश्वास भी है कि मेरे पत्नी के, मतलब वो जो लेडी बोल रही थी कि भाई मेरे और कोई किसी के साथ में संबंध है, ऐसा उनको बार बार लगता है और वो मेरे को टोकते रहते, मेरे को सहन नहीं होता। मैं तो ऐसे नहीं हूँ, और बारा बोलते कि भाई तू इससे क्यों बात किया, उससे क्यों बात किया, वहाँ देख रही है, इधर देख रही है, ऐसा वो बोलते जाएंगे। घर में जब भी कभी आएंगे तो उसको टोकते जाएंगे और फिर झगड़ा होते रहते। फिर मैं जब उसको पूछा भी चालू कब से है ये, बोले कम से कम 2 साल हो गए ये चालू है, उन्होंने कहीं दवाई भी लिया था और दवाई लेके फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर जब मैंने और थोड़ा सा डिग किया, थोड़ा सा पूछा और, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुआ, तो फिर ऐसा मालूम पड़ा कि इसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, मतलब शीघ्र पतन की बीमारी। शीघ्र पतन है, एक दो बार शीघ्र पतन हो गया कुछ कारण की वजह से, टेंशन था बोलो या जल्दी करने की इच्छा थी या जल्दी जल्दी में कुछ तो भी हो रहा, शीघ्र पतन हो गया। शीघ्र पतन के बाद में इसके मन में आ गया कि अभी शीघ्र पतन हो गया, वाइफ का समाधान नहीं हुआ तो मैं उसके काबिल नहीं हूँ। दूसरी बार जब उसने ट्राई किया तो उसको इरेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब लिंग में कठोरता आई नहीं। जितनी कठोरता आई उससे वो थोड़ा बहुत कर सका, और फिर वाइफ ने उसको बोला कि क्या हो गया तुमको, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहे वगैरह, ऐसा उसने बोला। जब उसने और फिर तीसरे चौथे दिन वाइफ को बोला तो उसने मना कर दिया कि मेरे को करना ही नहीं है क्योंकि आप कर नहीं पा रहे। अब जब वाइफ ने मना कर दिया कि आप सेक्स कर नहीं पा रहे हैं और मुझे आप उद्युक्त, मतलब ये करते, उद्दीपित कर देते हो, और उद्दीपित करने के बाद में फिर आप सेक्स करते नहीं हैं, और इसलिए उसने वो तैयारी नहीं हुई सेक्स करने के लिए, फिर उसका दिमाग ठनक गया। उसको ये लगा कि भाई मैं ऐसा हूँ ठीक है, मगर ये क्यों नहीं बोल रही है, इसका कहीं बाहर से समाधान होता होगा, बाहर ये कहीं जाती होंगी, बाहर कहीं ना कहीं उसका संपर्क होगा, इसलिए मेरे को नहीं बोल रही है। पहले उसको इन्फेरिटी थी, गिल्ट फीलिंग था कि अपना बराबर ठीक नहीं हो रहा है सेक्स, और बाद में फिर वो वाइफ ना बोल रही है तो फिर वाइफ के बारे में उसके ख्याल चालू हो गए, और फिर धीरे 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 वो इतने बढ़ते गए कि वो अपने पत्नी को बाहर आना जाना उसे पूरा बंद कर दिया उसने, कहीं किससे जाना नहीं, खिड़कियां बंद, कहीं इशारे कोई करेगा उसको बुला लेगा ऐसा उसको लगता था, और फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वाइफ ने फिर बड़े मुश्किल से उसको मनाते हुए मेरे पास में लाया कि भाई ठीक है, मैं आपके लिए, आपके साथ में आती हूँ और आपके लिए स्टैंड लेती हूँ कि आप चलो अपन इलाज करेंगे आपके सेक्स का, क्योंकि वो बहुत होशियार थी, उसको लगा कि चालू वहाँ से हुआ है। तो उसको मैंने सब तपासा, उसकी हिस्ट्री पूरी लिया, चालू कहाँ से हुआ उसको पूछा, तो बोले कि हाँ एक बार ऐसा हो गया था कि जब सेक्स करने के लिए दोनों अपने कमरे में गए थे तो बच्चा उठ गया था, और बच्चा उठ के वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में सेक्स कर लिया और उसने पतन करवा लिया। अब उसमें तब से उसको ऐसा लग गया हो कि भाई अपना अभी जल्दी हो रहा है, और तब से वो, मतलब वो हो गया प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, और बाद में उसका जल्दी होने लगा। एक दो अटेम्प्ट करने के बाद में, एक दो दिन के बाद में उसको लगा कि अपना इरेक्शन भी नहीं हो रहा है और सब कॉम्प्लिकेशन तैयार हो गया। फिर उसको सब टेस्ट कर लिया, डॉपलर टेस्ट किया, उसको बताया कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कुछ तो भी फैक्टर हो गया करके आप चिंता मत करो, मैं आपको दवा भी देता हूँ। उनको मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक सिखाया और काउंसलिंग किया दोनों का, दोनों कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कितना लंबे अवधि तक, लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं, या लंबा कितना आप कर सकते हैं ताकि दोनों को मज़ा आ जाएगा, या सेक्स करने का टाइम कैसा बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में उनको काउंसलिंग किया, और फिर दोनों भी मेरे यहाँ से निकल गए। उनको थोड़ा जो डाउट था, वो जो सिम्टम्स बढ़ गए थे, पैरानॉइड था, मैंने बोला उसको भी आप, उसके लिए आपको दवा देता हूँ, इतना ही है कि सिर्फ वो दवा सेक्स करने के बाद में लेना। बोले ठीक है। एक 15-20 दिन के बाद में मेरे पास में आए, बोले काफ़ी इनकी जो इरिटेबिलिटी थी, शक करने का स्वभाव था, अभी चले गए, हम सेक्स भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और हम बहुत ही खुश हैं अभी। तो ऐसे काफ़ी सारे कपल्स होंगे कि जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत होंगी, वो देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे, तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोगों का फ़ायदा इससे होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।